नहीं जी, मुश्किल है, इस जन्म में ही नहीं हो सकती। जब जी करे इटली घूम के आ सकता है बंदा, तो फिर शादी की क्या जरूरत है? पूछो मोदी जी, एमबीपी को क्यों छोड़ा था? योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी? तो ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना शादी होगी। जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगी। इतने देश के अंदर मेरे महापुरुष आए जिन्होंने देश के लिए कुछ करा, देश की चिंता में रहे, उन्होंने शादी नहीं करी। सलमान खान और एक राहुल गांधी, ये दोनों शादी नहीं करेंगे। साल 2023 हमारी जिंदगियों में बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो अभी तक सवाल बना हुआ है, और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस साल दूल्हा बन पाएंगे? तो लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है, क्या इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी या नहीं। पता नहीं होगी कि नहीं, पता नहीं है हमें। आपकी हो जाएगी? हमारी तो टाइम है अभी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राशिद कमाल। भाई भाई हैं दो? भाई हैं। तो राशिद भाई, क्या लगता है इस बार राहुल गांधी की शादी हो जाएगी इस साल? शादी तो कर लेनी चाहिए उनको, उम्र हो गई उनकी। उम्र तो आपकी हो गई? हमारी हो जाएगी, बस अगले महीने हो जाएगी हमारी। अच्छा, हमारी शुभकामना आपके साथ। आपका क्या नाम है? अयान। अयान भाई, क्या लगता है राहुल गांधी की शादी इस साल? मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएगी। अच्छा, इस साल तो नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी, आपका क्या नाम है सर? भाई मोहन सिंह नाम है मेरा। मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, इस साल लगता है राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? यार राहुल गांधी की शादी तो हो या ना हो, वो तो उस बंदे को जो करना है कर ही रहा होगा, शादी से क्या मतलब है। बाकी घर बसाने वाली बात वो खुद ही समझेगा क्या है क्या नहीं। अब क्या बोलें इसके बारे में, इस पे हम ध्यान देंगे तो फिर दुनिया बुरा मान जाएगी। किसी की शादी के बारे में बात करो, काम के बारे में बात करें ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुकी। क्या लगता है इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? इस साल नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी। अभी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जाहिर सी बात है, उनके अलावा। इसके लिए तो रोके हैं अभी। अच्छा, इसी के लिए रोके हैं अभी, इसीलिए शादी रोके हैं। मैं सोनिया गांधी अब की अगर 2024 में अगर बन गए तो फिर शादी पक्का है। अच्छा। नहीं फिर एक आध दो साल लेट हो जाएगा, 5 साल जाएगा। आप कितना लेट करवाओगे? 54 साल के यार हो गए वो। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा यंग ले आएंगे और क्या दिक्कत है। आपको लगता है इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? नहीं जी, मुश्किल है, इस जन्म में ही नहीं हो सकती। ऐसी क्या खास वजह है, क्यों नहीं लगता? सर, जब बंदे की करने की इच्छा नहीं है तो कहाँ से होगी ये बताओ। अच्छा, उनकी इच्छा नहीं है ये। जब जी करे इटली घूम के आ सकता है बंदा, तो फिर शादी की क्या जरूरत है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? सलमान खान और एक राहुल गांधी, ये दोनों शादी नहीं करेंगे, बस। ये करेंगे नहीं, इनकी इच्छा नहीं है। करेंगे भी नहीं और इच्छा भी नहीं है। इच्छा होगी तो भगवान जाने ये लोग क्या करते होंगे। इच्छा होगी तो सवेरे सोचेंगे, शाम को हो जाएगी। इच्छा है ही नहीं, अपने आपके बोलने से बात नहीं बनेगी। इनकी शादी होगी नहीं, इस जन्म में तो खैर नहीं होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशेर है। क्या लगता है इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? देखो, शादी के विषय में तो उसकी अपनी लाइफ स्टाइल का मसला है, लेकिन देश जोड़ो यात्रा नफरत की दुकान में मोहब्बत का बाजार खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश की विकास की, बेरोजगारी की, क्रेम की, हर चीज़ को लेके कोई हिंसा नहीं हो रही, बहुत अच्छा कार्य है। छवि देखो आपके सामने है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आप दिल्ली के अंदर कल्ला कुमारी से चल के दिल्ली आए थे, तो आप देख लीजिए कितने लाख आदमी थे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सफात। क्या लगता है इस बार राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? राहुल गांधी की शादी वो चाहेंगे तो हो जाएगी। आपकी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। तुम्हारा क्या नाम है? ऋषि। हो जाएगी? सारा लड़ुआ ही मरेगा, लड़ुआ ही मरेगा। आप बताओ, आपका क्या नाम है? फैजान। अगर उन्हें चाहा तो हो जाएगी। अच्छा। उनकी ऊपर है उनकी शादी करना, हम ये अपन या ये हम थोड़ी बता पाएंगे कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है। अंदाजा क्या क्या? अंदाजा यही वही बता सकते हैं, अगर उन्हें चांद होनी है तो हो जाएगी। आप बताओ। वैसे तो मुमकिन नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। अच्छा, प्रधानमंत्री बनेंगे वो? वो इसलिए तो ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना शादी होगी। ये भी आदमी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शशि। शशि जी, क्या लगता है इस बार राहुल गांधी क्या स्वयंवर हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है। नहीं होगा, मुश्किल है। अच्छा, मजा। अभी जब तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं तब तक वो शादी करेंगे नहीं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ये उन्होंने कसम खाई ऐसा लगता है? कसम तो नहीं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं वो,
भारत के आता है कि मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, तो काम करेंगे, अगर गांव से जुड़ के हुए काम करेंगे तो आगे जाके कुछ फायदा होगा। ये बताइए, इस साल लगता है राहुल गांधी की शादी हो जाएगी आपको 2023 में? अरे भाई साहब, कोई मैटर है क्या? मैटर योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी और मोदी जी ने छोड़ कर रखा है? ये कोई मैटर है? ये कोई मैटर है? राहुल गांधी की शादी, मोदी जी ने पूछो पूछो मोदी जी ने बीबी को क्यों छोड़ा था? योगी जी ने शादी क्यों नहीं करी? उनसे नहीं पूछ सकते, वो तो सन्यासी है। अच्छा, ये मोदी जी गृहस्थी है, क्यों छोड़ा था? वो सन्यासी है, 83 मुकदमे चल रहे सन्यासी के ऊपर, सारे विड्रॉ कर लिए, कर रहे ना आपके सामने विड्रॉ, 83 मुकदमे चल रहे थे, एक मुख्यमंत्री सीट पे बैठ के तो विड्रॉ कर लेंगे आप? मैं मोदी जी की बड़ाई नहीं कर रहा, मोदी प्रधानमंत्री, हमें सबको इज्जत करनी चाहिए, देश का कोई भी प्राय सीट पे बैठे को सबको इज्जत करनी चाहिए। आपने पीजी अब्दुल कलाम के बारे में तो नहीं पूछा, उसने शादी क्यों नहीं करी? उन्होंने तो अपनी जिंदगी समर्पित देश को कर दी। हाँ तो उन्होंने तो देश को कर दी, वे देश की सेवा में लगे हुए, उनका पूरा देश परिवार है, माँ बहन है सब कुछ। आप दूसरी चीज, आपने सवाल नहीं करा सलमान खान ने शादी क्यों नहीं करी? नहीं, मैं तो राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। जितने देश के अंदर मेरे महापुरुष आए, जिन्होंने देश के लिए कुछ करा, देश की चिंता में रहे, उन्होंने शादी नहीं करी, क्योंकि मैं अपने दो शादी करने के बाद दो बच्चे होते हैं, उनमें उलझे रह जाते। महात्मा गांधी ने शादी नहीं की थी? महात्मा गांधी ने शादी नहीं की थी? नहीं, आपको पता है महात्मा गांधी ने शादी की थी, लेकिन राहुल वो टाइम कुछ और था। अच्छा, टाइम देख के नहीं जाती है शादी, शकुन से की जाती है। आपका क्या नाम है? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, क्या लगता है इस बार राहुल गांधी की शादी हो जाएगी 2024? राहुल गांधी की शादी, अगर वो पीएम का भूत अगर अपने दिमाग से उतार दे, जो वो सपना देखते हैं वो सपना अगर उतार दें, तो शायद वो खुद पे ध्यान दे पाएंगे। वो अभी ना तो, वो अभी धोबी के जो एक कहावत है, धोबी के आगे मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा, धोबी के बीप हो रखे हैं, क्योंकि ना तो वो इधर का सोच पा रहे ना उधर का सोच पा रहे, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, गलती उनके खानदान की, जबरदस्ती उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। यार बंदे को अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे लें, तो क्यों उसका करियर बर्बाद कर रहे हो? बेचारे की इतनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, क्यों और बर्बाद कर रहे हो? कितनी बर्बाद ज़िंदगी है बताओ, कितनी इतनी बर्बाद कर दी कि साले को 55 साल का होने रहा है, किसकी बर्बाद कर दी? आज उसकी शादी पे बात हो रही है, आज 50 साल से ऊपर का हो गया, ऐसा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है। नहीं, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मुद्दा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुद्दा क्यों हो गया ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। इसमें किसकी गलती है? क्या इस चीज के लिए इनका परिवार जिम्मेदार नहीं है? उनका परिवार, आप यहाँ इतने हजारों आदमी खड़े हैं, आप किसी रोजगार को लेके बात कर रहे नहीं कर रहे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्रेम, कितने लोग परेशान है, कहीं लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं पहुंचा, आप बात कर रहे हैं उसको लेकर? ये सब मीडिया ने तमाशा बना रखा है। मीडिया को कोसने से कुछ नहीं होगा। आप क्या काम करते हैं? मैं भी रोजगार के लिए तरस रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ रोजगार मिले। लाखों आदमी बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीटेक करके रोड पर बस्ता टांगो फिर रहे, क्या भाई जॉब के लिए फिर रहे? हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई इनिशिएटिव ऐसा लगाना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, अगर कोई से मिनिस्टर हो, उन्हें कोई एक ऐसी भूमिका मना बैठ के ऐसी भूमिका मनानी चाहिए जो हमारे लाखों आदमी बेरोजगार को, युवा को रोजगार मिले, हमारी महिला सुरक्षित हो जाए, देश खुशहाल की तरफ जाए। आज सिलेंडर देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कहाँ है? नोटबंदी बंद लगाकर गरीब को छेड़ता गया है। तो ये इसका सवाल कीजिए आप, लाखों आदमी। क्या लगता है इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? देखिए भाई, मैं तो सबसे पहले कि हर हिंदुस्तानी भाई को नया साल का मुबारकबाद देता हूँ, पॉलिटिक्स में तो नहीं हो, ऐसा है कि भाई उसका अतरा चल रहा है, भगवान उसको उसकी कुछ भी करे, ये बोल नहीं सकते हैं। कहाँ शादी की बात है तो उसको गांधी परिवार बढ़ाना है तो शादी करना ही चाहिए। क्या लगता है जी आपको, हो जाएगी शादी? पुणे से आए घूमने, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या लगता है इस साल राहुल गांधी की शादी हो जाएगी? पुणे वासियों को क्या लगता है? यार उसने करनी तो चाहिए, अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, आई थिंक 50 प्लस हो गए है वो, 54 है, तो कर लेनी चाहिए। दुल्हन आप देखो भाई, बधाई दूंगा भाई की गांधी खानदान बढ़ाना है तो शादी कर लो, नहीं गांधी खानदान को खत्म करना तो मत करो शादी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी से रह जाओ। आप बताइए क्या लगता है राहुल गांधी की शादी हो जाएगी इस साल? वो तो राहुल गांधी का मन होगा जब करने का, जब वो कर लेंगे, लेकिन जनता को क्या लगता? जनता को लगता, देखिए वो करेंगे,
ठीक है, हर इंसान का एक, मेरी भी हॉबी होती है कि मैं भी शादी करूँ, सब हर कोई करता है, हर इंसान की फीलिंग होती है, हर इंसान शादी करना चाहता है, अब उनकी मर्जी वो कब करना चाहे, हो सकता है उनका कोई मिशन होगा पीएम बनने के बाद ही वो करें, तो उनका भी मिशन है। जैसे हमारे बिहार में तेजस्वी यादव थे, लोग को उम्मीद नहीं थी कि शादी करेंगे, लेकिन एक हफ्ते में शादी कर लिए, एक हफ्ते में शादी कर लिए, तो उनका उनका मन होगा, हम कैसे कह सकते कि वो शादी करें। हाँ, लेकिन मेरी जहाँ तक राय है कि शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिवार बढ़ा लेना चाहिए, ज़रूरी भी है। ठीक है, अब उनकी सोच होनी चाहिए। तो ये 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 दिल्ली की जनता थी जिन्होंने बताया कि अपने अपने विचार रखे और सबने बताया कि क्या इस साल 2023 में राहुल गांधी का स्वयंवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।